हेलो एवरीवन, आई एम सीमा मेहरा, आई एम ए वेलनेस कोच। कुकिंग फूड इज़ माय पैशन एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड वेलनेस इज़ माय मोटिव। डेजर्ट सीरीज़ की फोर्थ रेसिपी माय डॉटर प्रेरणा मेहरा, हु इज़ ए वेरी गुड शेफ, इज़ गोइंग टू शेयर विद अस। थैंक यू सो मच मॉम। I am Prerna Mehra. I'm a pastry chef. I have a bakery studio by the name Batter Up by Prerna Mehra. I'm super excited to be back and share with you one more very interesting recipe, that is oats brownie. So let's get started. So aaj ki recipe hai oats chocolate brownie. To sabse pehle hum ek bowl mein dalenge oats flour, fir cocoa powder, baking powder and baking soda. मैंने दोनों चीज़ें एक ही साथ मिक्स कर दी है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। आप इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करके ही डालें। ये आपके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं और हम इनको अब अलग रख देते हैं। अब हम एक और बोल लेंगे जिसमें हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे दही, फिर आप डालेंगे कैस्टर शुगर और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक सारी शुगर डिसॉल्व हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल और हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो अब मैं अपने मॉम को बोलूँगी कि इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स 3 पार्ट्स में वो ऐड करेंगी। ये सेकेंड पार्ट ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट हमने डाल दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म मिल्क डालेंगे। आपको मिल्क एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऑल्टरनेटिवली डालना है सो दैट वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया है। अब आप इसमें वनीला एसेंस डाल दीजिए। आप इसमें कॉफ़ी वाटर भी डाल सकते हैं थोड़ा, अगर आपको कॉफ़ी फ्लेवर पसंद है। और हम इसमें डालेंगे चॉप्ड वॉलनट्स और मैंने अपना ओवन ऑलरेडी 170 पे प्रीहीट कर लिया है फॉर 10 मिनट्स। मैंने एक स्क्वायर टिन लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है विद द पार्चमेंट पेपर। तो अब हम इसको बेकिंग के लिए रख रहे हैं एट 170 फॉर 30 मिनट्स। जब आपकी ब्राउनी बनकर रेडी हो जाए आप उसको फ्रिज में रखें थोड़े देर के लिए और उसके बाद आप उसे शेप कर सकते हैं। मैंने इसमें, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें ऊपर गनाश पाइप करा है। होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस रेसिपी ऑफ हेल्दी ओट्स एंड चॉकलेट ब्राउनी। डू सब्सक्राइब टू माई मॉम्स चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।